हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी महोदय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी महोदय ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एग्रीकल्चर स्प्रे मशीन को कितने समय में चार्ज किया जा सकता है। तो आइए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर स्प्रे मशीन है और इसी मशीन का सेम टू सेम चार्जर भी है और इसके साथ मिलने वाला ये चार्जर एडाप्टर भी है और यहाँ हमारा करेंट का भी स्विच बोर्ड है। तो यहाँ जो है कि हम इसमें थोड़ा लंबा वायर इसलिए लगाए हैं ताकि हमारा मशीन नीचे भी रखा हुआ हो तो इतना लंबा वायर होने की वजह से दूर तक चला जाए, हमारे जो है कि करंट की बोर्ड तक इसका वायर पहुंच सके। तो आइए मैं आपको बता देता हूं, मशीन जो है कि एग्रीकल्चर स्प्रे मशीन दो पावर में आती है, एक होती है 12-12, एक होती है 12-8। तो 12-12 क्या है, 12 इसका वोल्ट है बैटरी का और 12 एम्पियर की 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई एक मशीन आती है और एक मशीन आती है 12-8 जो कि जिसमें 12 वोल्ट की बैटरी होती है और 8 एम्पियर उसका पावर होता है। तो 12-8 जो है कि यह बैटरी की क्षमता है, यानी उसका जो है कि पावर और उसका जो है कि वोल्ट। और जो है कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ जो है कि एडाप्टर जो हमारा मशीन का है, यहाँ आप देख सकते हैं अगर मशीन एकदम बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई है, बिल्कुल एकदम डिस्चार्ज हो गई है तो यहाँ जो है कि 1.2 एम्पियर लेगा मात्र जो है कि 45 मिनट के लिए। उसके बाद 1.7 एम्पियर यह चार्जिंग देगा, एक घंटे में यह 1.7 एम्पियर चार्ज कर पाएगा मशीन को। तो आइए मैं बताता हूँ कि अगर आपकी मशीन 12-8 की है यानी 8 एम्पियर वाली है तो वो जो है कि 1.7 एम्पियर से अगर ये चार्ज करेंगे तो आपकी मशीन 4.5 घंटे में एकदम फुल हो जाएगी। और अगर आपकी मशीन 12 की है यानी 12-12 की है तो यह इस चार्जर की सहायता से जो है कि आपकी मशीन जो है कि लगभग 7 घंटे में फुल हो जाएगी। तो 7 घंटे कुछ मिनट में फुल होगी और जो है कि 8 एम्पियर की बैटरी अगर उसमें लगी हुई है तो वो आपको 4.5 घंटे में फुल होगी। तो यहाँ जो है कि यह एडाप्टर मशीन के साथ ही मिला हुआ है और इसको अलग से नहीं खरीदा गया है। तो लगभग हर मशीन का चार्जर लगभग इतने टाइम में मशीन को फुल कर देता है। अगर 12-8 की बैटरी है तो वो 4.5 घंटे में फुल होगी, अगर 12-12 की बैटरी है तो वो लगभग 7 घंटे कुछ मिनट में फुल हो जाती है। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ जो है कि हम इसको करंट में लगा देते हैं और करंट में लगाने के बाद यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ जो है कि इसको जो ही करंट मिलेगा तो अभी हमारा जो है कि यह सेटअप अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है और जो है कि हम इसको अच्छे तरीके से इसमें इंक्लूड कराते हैं और जो है कि यह अच्छे तरीके से यहाँ करंट पकड़ नहीं रहा है। तो कोशिश करते हैं कि यह टच करे। हाँ, तो यहाँ जो है कि हमारा चार्जर ग्रीन लाइट जल रहा है और आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि इसमें ग्रीन लाइट जल रहा है और यहाँ जो है कि हम बैटरी में जो है कि इसके मशीन में इसका प्लग करेंगे और प्लग करते वक्त यहाँ ध्यान देना है ये उल्टा सीधा नहीं हो सकता है क्योंकि इसका सेटअप ही ऐसा बना हुआ है कि यह अपने तरीके से ही लगेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है कि रेड कलर की लाइट जल रही है। जब हमारा बैटरी टोटल फुल चार्ज हो जाता है तो ये लाइट ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाती है। तो कुछ समय के लिए हम इंतज़ार करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये लाइट ऑटोमेटिक ग्रीन हो गई है और यहाँ से जो है कि हम निकाल देंगे। ये हमारा बैटरी बिल्कुल जो है कि फुल चार्ज हो चुका है। इसको चार्ज होने में लगभग, ये हमारी मशीन जो है कि 12-12 की है, इसको चार्ज होने में 7 घंटे कुछ मिनट लगे हैं। और इस चार्जर से यह जो है कि कंपनी फिटेड चार्जर है तो जो कंपनी के साथ जो है कि बैटरी वाली मशीन के साथ चार्जर मिलता है तो वो लगभग 7 से जो है कि अगर आपका 8 एम्पियर का बैटरी होगा तो 4.5 घंटे में और 12 एम्पियर की बैटरी होगी तो 7 घंटे कुछ मिनट में आपका फुल चार्ज हो जाएगा। तो अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी महोदय ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।